गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का मेरा वीडियो है नाउन के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि नाउन के जितने अच्छे रूल्स हैं वो सब मैं आपको दे चुका हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार आप नाउन के सारे रूल्स, यानी इससे पहले की जो दो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो हम लोग केवल टाइम पास करने के लिए नहीं देख रहे, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो अगर आप इन वीडियोज़ को, इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले, यानी इस जितने जो रूल्स हैं या जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको सॉल्व करने से पहले अगर आप रूल्स पढ़ लेंगे, और वो ज़्यादा रूल्स नहीं है, इंपॉर्टेंट रूल्स उसमें मैंने बताए हैं दो वीडियोस में, तो आपको ये एक्सरसाइज करने बड़ी आसानी होगी और आपको बेनिफिट लगेगा कि हाँ आपको नाउन समझ में आ रहा है। ये जितने एग्जाम्पल्स हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश आती है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये सिंटैक्स करके 12th में आता है, चार या पांच छः क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 नंबर के आते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा बोर्ड वाले बच्चों के लिए और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपको मैंने आर्टिकल दे दिया है। आज मैं नाउन को फिनिश करने वाला हूँ, देन प्रोनाउन पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी है उसको डे बाई डे हम करेंगे, और जब हम ये पूरा कर लेंगे तो ये जानिए, समझिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप एक इंग्लिश ग्रामर का पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं केवल रिक्वेस्ट ये करूँगा, जब आप इस वीडियो को ओपन करें और आपको लगे कि इससे पहले कि आपने एक्सरसाइज रूल्स वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिएगा, देन आप इस वीडियो पर आइएगा। तो विदाउट डिले मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ एग्जाम्पल है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब क्योंकि हमें मालूम है हम नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें केवल अभी माइंड में नाउन के नियम, नाउन के रूल्स फोकस करने हैं। तो आपको जैसा कि याद होगा मैंने कहा था कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल चेंज नहीं होता, मतलब कहने का सेंस ये है जैसे वो सिंगुलर में होते हैं वैसे उन्हें प्लूरल में भी देखा जाता है, उनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, उनके यूज़ करने के तरीके से मालूम चलता है कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कैटल, मैंने आपको बोला था कैटल का प्लूरल नहीं बनता, कैटल अपने आप में प्लूरल है तो इसमें एस और एस लगाने की कोई नीड नहीं है। चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं बनता, पोल्ट्री, पुलिस, मैंने आपको ये एग्जांपल दिए थे, इनका प्लूरल नहीं बनता। तो मिस्टेक क्या है यहाँ पर, कैटल जो वर्ड है आपको पहले करना क्या है, आपको ध्यान रखना है कैटल मतलब जानवरों का झुंड, और जानवरों के झुंड का सही जो मीन वर्ड है वो CAT यानी कैटल है। तो आप कैटल मीन ही जानवरों का झुंड होता है, तो कैटल्स करने का लोड नहीं लेना है आपको, इसका बहुवचन नहीं बनाना है। तो मिस्टेक कहाँ पर है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड को आप, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड को आप, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड कर देंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल की आनी आनी है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे, विशेष ध्यान रखिएगा, ये नाउन देखने में अपने सेंस में प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन सेंस इनका प्लूरल वाला होता है, तो जब सेंस प्लूरल वाला है तो वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। नेक्स्ट, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, यहाँ पर सीता एक नाउन है और फर्नीचर एक नाउन है, समझिए। तो मिस्टेक अगर होगी या सीता में या फर्नीचर में, सीता एक कॉमन नाउन है, इसमें प्रॉपर नाउन है, इसमें हमें कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही, एक लड़की का नाम है सीता तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फर्नीचर को अगर मैं काउंट करूँ तो ये हमारा मटेरियल नाउन है, वुड हमारा मटेरियल नाउन है, फर्नीचर हमारा कॉमन नाउन है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, सीता ने अपना फर्नीचर, पूरा फर्नीचर बेच दिया, ठीक है। तो अब आपको देखना है क्या यहाँ पर कोई गलती है। देखिए मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको समझ में आया हो कि कुछ नाउन एस और एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बनता, कुछ नाउन का प्लूरल नहीं बनता, जिनमें मैंने आपको फर्नीचर लिखाया था, अगर आपको याद होगा आपने ढंग से वो रूल्स पढ़े होंगे, फर्नीचर था उसमें जिसका प्लूरल आपको नहीं बनाना, फर्नीचर अपने आप में प्लूरल अर्थ रखता है, ये नियम मैंने आपको बताया था। फर्नीचर मीन्स होता है घर में जितना भी लकड़ी का सामान है उस सबको आप फर्नीचर कहेंगे, फर्नीचर केवल मेज को, लकड़ी की मेज को या दरवाजे को नहीं कहेंगे, फर्नीचर मतलब घर के अंदर ऑल द वुड आर्टिकल्स आर कॉल्ड फर्नीचर। तो सीता ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया, सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, तो क्या सीता में गलती है, नहीं है, तो क्या फर्नीचर में गलती है, फर्नीचर में गलती है, क्या फर्नीचर का फर्नीचर्स होना चाहिए था, क्योंकि सीता ने अपना सारा फर्नीचर बेचा है तो क्या ये फर्नीचर्स होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फर्नीचर का सिंगुलर भी फर्नीचर है और फर्नीचर का अपने आप में सेंस
प्लूरल है, तो यहाँ पर ये सही है, इट मीन्स यहाँ पर कोई गलती नहीं है। समझने का प्रयास करेंगे, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में गलती हो। दूसरा वाला सेंटेंस, सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। गलती कब होती? गलती तब होती जब यहाँ पर फर्नीचर्स दिया होता। ओके, फर्नीचर्स दिया होता तो गलती होती, फर्नीचर गलत नहीं है। ओके, कि इसका अपने आप में प्लूरल सेंस है। नेक्स्ट, ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। थर्ड वाला, ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। आपको याद होगा जब भी किसी नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हो या नंबर दिया हो, कोई नंबर दिया हो, तो उस नाउन का प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पर ईयर से पहले 60 दिया हुआ है, 60 एक नंबर है, एक डेफिनेट नंबर है, वह है 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तो 60 ईयर्स ना होकर यहाँ पर ईयर होना चाहिए, क्योंकि जब किसी नाउन से पहले कोई नंबर दिया हो, 1, 2, 3, 4 वॉट एवर जो भी नंबर दिया हो, तो उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल नहीं आकर सिंगुलर आता है। तो 60 ईयर सही आंसर होगा, ही इज अ 60 ईयर ओल्ड मैन। गॉट इट? समझने का प्रयास कीजिएगा। सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। मैंने आपसे कहा था जब कोई नाउन किसी प्रपोजिशन से कनेक्ट हो, दो नाउन, और उसके बाद एक सेम नाउन रिपीट हो, मतलब दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हो और सेम रिपीटेशन हो उनमें, तो उनका बहुवचन नहीं बनता, उनका बहुवचन नहीं बनता। यानी सिटीज आफ्टर, यहाँ पर प्रपोजिशन है फिर सिटीज़ है, तो सिटीज़ गलत वर्ड है, यहाँ पर सिटी आना चाहिए, सिटी आफ्टर सिटी। क्या आना चाहिए? सिटी आफ्टर सिटी, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? सिटी आफ्टर सिटी। अब क्योंकि मैंने बोला था, आपको याद होगा दो नियम बताए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो प्रपोजिशन थे जब सेम नाउन अटैच्ड हो तो प्लूरल नहीं आता, दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की नहीं आती, सिंगुलर की आती है, तो यहाँ पर आप वॉज कर दोगे। तो सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। ओके, शहर के शहर आर्मी ने तबाह कर दिए, शहर के शहर, शहरों के शहरों नहीं बोलेंगे, शहर के बाद शहर या शहर के शहर, आदमी ने तबाह, आर्मी ने तबाह कर दिए। उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जैसे आते मैंने वो दिए हैं। अब नीचे मैं आपको जो आगे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ये रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन पैटर्न जो मैंने यूज़ किया है वो बोर्ड एग्जाम्स का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले, आगे बढ़ेंगे, पाँचवें पे हम आ गए, फोकस करेंगे। ही एक्ट, देखिए मैंने स्लैश दिया हुआ है, ही एक्टेड नॉट स्लैश एज पर माई एडवाइस स्लैश बट समबडी एल्स स्लैश नो एरर। तीन भाग में एक सेंटेंस को तोड़ दिया है, ए बी सी मान लीजिए और लास्ट में डी वाला नो एरर, या तो इसमें कोई गलती है या कोई गलती नहीं है, और गलती है तो उस भाग में आप गलती टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और गलती नहीं है तो आप क्या करेंगे, नो एरर पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो फोकस करिएगा, ही एक्टेड नॉट, उसने बिल्कुल एक्टेड नहीं किया या वैसा नहीं किया, मेरी सलाह नहीं मानी लेकिन दूसरे की मान ली। अब मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एडवाइस यहाँ पर नाउन है, एडवाइस यहाँ पर, ही एक्टेड नॉट कोई गलती नहीं है, एज पर माई एडवाइस कोई गलती नहीं है, बट समबडी एल्स, मैं नियम के बता रहा हूँ समझो, हमेशा तुलना जो होती है, कंपेरिजन जो होता है वो समान, समान मतलब समान नाउन में होता है, समान नाउन बोले तो, जैसे यहाँ पर उन्होंने मेरी एडवाइस नहीं मानी, किसी और की मान ली, क्या मान ली, किसी और की, क्या मान ली, किसी और की एडवाइस मान ली ना, तो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बिल्कुल गलती नहीं है, बट समबडी एल्स, तो यहाँ पर एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, एल्स में अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगना चाहिए, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगना चाहिए, फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो उसने मेरी एडवाइस नहीं मानी, एक्ट जो किया यानी उसने जो भी क्रिया प्रतिक्रिया की मेरी एडवाइस पर नहीं की, किसी और की पर की, किसी और की क्या एडवाइस, तो यहाँ एडवाइस दिया हुआ है, यहाँ पर एडवाइस नहीं दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर एडवाइस नहीं दिया हुआ है तो हम अपोस्ट्रोफी एस मान लेंगे किसी और की, तो किसी और की क्या एडवाइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस छुपा हुआ है, तो ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, तो समबडी एल्स मीन अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, इट मीन्स सी वाले पार्ट में मिस्टेक है। गलती क्या है वो दोबारा सुन लीजिए, तुलना हमेशा समान नाउन में होती है, नाउन समान होंगे तो उन्हें तुलना होगी, वरना तुलना नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ, माय हाउस इज बिगर देन हिज, मेरा घर उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा नहीं उसके घर से बड़ा है, तो अगर मुझे सेंटेंस पूरा बोलना है तो माय हाउस इज बिगर देन हिज हाउस, ये बोलना जरूरी है। अगर आप हिज पे लाके छोड़ दोगे या हिज पे ख़त्म कर दोगे, इसका मतलब वहाँ पर सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि तुलना हमेशा समान नाउन में होती है, मैंने आपको अभी भी बताया, कंपैरिजन के लिए आप हमेशा
समान नाउन या एक जैसा नाउन यूज करोगे। ओके इसलिए यहाँ पर ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस छोड़कर, बट समबडी हेल्थ, समबडी हेल्थ में यह गलती है। नेक्स्ट है छठवां, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सीरियस, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सीरियस। नोट कीजिएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान प्रॉब्लम्स में कोई गलती है, पाकिस्तान की समस्याएँ उतनी सीरियस हैं जितनी कि बांग्लादेश। अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश दिया हुआ है, पाकिस्तान नाउन है और बांग्लादेश नाउन है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की समस्या बोली गई है और यहाँ पर केवल बांग्लादेश बोल दिया गया है। सेंस क्या निकल के आ रहा है, पाकिस्तान की समस्या उतनी सीरियस है जितनी कि बांग्लादेश, जितनी कि बांग्लादेश क्या, जितनी कि बांग्लादेश की समस्याएँ। तो यहाँ बांग्लादेश में अपोस्ट्रोफीस लगना ज़रूरी है, अपोस्ट्रोफीस के बाद प्रॉब्लम लिखा हो ना लिखा हो कोई इशू नहीं है, सेंटेंस बनना चाहिए पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब आप अपोस्ट्रोफीस लगा दोगे तो ये अपने आप में बन जाएगा बांग्लादेश की समस्याएँ। ओके तो यहाँ पर गलती इस पार्ट में है, गलती हमारे सी वाले पार्ट में है, ए बी सी। ओके अगले पे आते हैं, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। मैनी ऑफ द क्वेश्चन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये आप पढ़ के देखिएगा। तो मैनी ऑफ द क्वेश्चन एक पार्ट पे देखते हैं, मैनी ऑफ द क्वेश्चन नेम क्या है वो जान लीजिए, आपको ज़्यादा अंदर जाना ही नहीं है। यदि किसी वाक्य की स्टार्टिंग मैनी ऑफ से हो रही है, मैनी ऑफ का या मच ऑफ का यूज़ किया गया है, बहुत के अर्थ में यूज़ किया गया है, तो साथ में आने वाला नाम प्लूरल आता है, तो यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है। मैनी ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी परीक्षा प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, है ना, इतने ईजी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो नाउन है, क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्या देते हैं वो समझिए, वो कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, क्या कर देते, मैनी ऑफ द क्वेश्चन, तो मैनी ऑफ द क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करते क्वेश्चन में, क्योंकि मैनी ऑफ के साथ कभी सिंगुलर नहीं आता। नियम क्या जानना है आपको वो समझिए, मैनी ऑफ जब भी आएगा अपने साथ प्लूरल नाउन लेके आएगा, मैनी ऑफ जब भी आएगा अपने साथ प्लूरल नाउन लेके आएगा, और ये प्लूरल नाउन लेकर आया है, इसका मतलब हम जाएंगे नो एरर के साथ। जरूरी नहीं आपको कोई एरर मिले, आपका वाक्य सही भी होता है, तो यहाँ पर आप जाओगे नो एरर के साथ। नियम क्या मिला आपको, नया रूल मिल गया कि मैनी ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं, आठवां समझिएगा, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ए पार्ट है, आर एडवाइज्ड टू बी पार्ट है, अटेंड द मीटिंग सी पार्ट है, और नो एरर डी पार्ट है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, सभी जो लड़की हैं, जो लड़की स्टूडेंट हैं वहाँ की, उन्हें सलाह दी जाती है मीटिंग में अच्छी तरह पॉजिटिवली बैठें या पॉजिटिवली मीटिंग अटेंड करें। लॉजिकली समझिए, जब किसी कॉमन नाउन, यानी ये कॉमन नाउन, दो कॉमन नाउन साथ आए, ठीक है, स्टूडेंट इज़ अ कॉमन नाउन एंड गर्ल्स इज ऑल्सो कॉमन नाउन, है ना, तो ध्यान रखिएगा दो कॉमन नाउन साथ आए तो उसमें आप दोनों को, ये कंपाउंड नाउन है, एक गर्ल्स स्टूडेंट मतलब क्या है, कंपाउंड नाउन जानते हैं ना, जिसमें एक से अधिक नाउन यूज़ हो बनाने में उसे, तो गर्ल स्टूडेंट लड़कियां जो विद्यार्थी हैं, आपने एक कंपाउंड नाउन की तरह यूज़ किया, और कंपाउंड नाउन में कभी भी आपको प्लूरल बनाना होता है, कंपाउंड नाउन का कभी भी प्लूरल बनाना होता है, तो मैंने आपको कल बोला था उसका हमेशा एस बाद वाले नाउन में आता है ना, ठीक है, आप एक में एस लगाओगे, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, जितनी भी लड़की छात्रा हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो सब उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो जाकर बैठें कहाँ बैठें, पॉजिटिवली बैठें मीटिंग में। ओके तो यहाँ पर नियम समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स रॉन्ग है, कंपाउंड नाउन है, प्लूरल एक ही बनेगा, आपने बना दिया स्टूडेंट एंड दैट इज़ द राइट आंसर। मिस्टेक इसमें, मिस्टेक ए वाले पार्ट में, आपको वहाँ गलती सही नहीं करनी है, आपको केवल गलती टिक करनी है और आगे बढ़ जाना है। ओके नेक्स्ट, आई गेव माई ब्रदर, एक पार्ट है, टू एंड अ हाफ रुपी, आई गेव माई ब्रदर ए पार्ट है, टू एंड अ हाफ रुपीज दो बी पार्ट है, ओनली सी पार्ट है, नो है डी पार्ट है। देखिए आ हाफ दिया हुआ है, दूर मत जाइए, आ हाफ और अ क्वार्टर, मैंने बोला था अ क्वार्टर या आ हाफ दिया हुआ हो तो हमेशा जब किसी वाक्य में आ हाफ अ क्वार्टर दिया हो तो न्यूमरल जो है वो एडजेक्टिव हमेशा नंबर के बाद में आता है, सॉरी न्यूमरल एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, मतलब नाउन को हमेशा आप न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद में रखेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है इसके अंदर, टू, मैंने अपने भाई को ढाई रुपया दिया,
मैंने अपने भाई को 2.5 रुपया केवल 2.5 रुपया दिया, तो फोकस कीजिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आहाफ दिया हुआ है और रुपी बाद में दिया हुआ, आहाफ के रुपी यहाँ पर नाउन है गलत है, टू यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो क्या करोगे आप रुपी को ढाई रख दोगे टू के बाद, तो बनेगा आई गेव माई ब्रदर 2 रुपी, रुपीज नहीं होगा वो रुपी हो जाएगा, क्या नंबर आ गया, नंबर आ गया तो रुपी का रुपीज, रुपीज को रुपी में कन्वर्ट कर दोगे, क्यों मैंने अभी अभी बताया ऊपर जब किसी नाउन के पहले अंक दिया हो न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हो तो उसका प्लूरल नहीं बनता। आई गेव माई ब्रदर 2 रुपी एंड हाफ, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर गलती किस वाले पार्ट में, हम गलती देख रहे हैं, हम गलती बताएंगे अपनी बी वाले पार्ट में। ओके तो आई गेव माई ब्रदर 2 रुपी, रुपी ऑटोमेटिकली 2 के बाद आएगा क्योंकि जब किसी वाक्य में आ हाफ क्वार्टर दिया होता है तो न्यूमरल जो एडजेक्टिव नंबर जो दिया होता है हमेशा नाउन उसके बाद में आता है। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। वन शुड नॉट हेट द पुअर। अब क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन केवल यहाँ पर एक है, पुअर नाउन केवल एक है। विशेष ध्यान दीजिएगा, जब पुअर से पहले दा लग गया तो एक पुअर एक गरीब की बात नहीं हो रही है, आ पुअर आ लिखा होता तो एक गरीब को बता रहा होता, दा पुअर मतलब होता है पूरी जाति, जितने भी गरीब हैं, जितने भी गरीब हैं उन सबको पुअर बोला जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी जाति को आप एक सिंगल नाम में डिफाइन करें यानी पुअर कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। ठीक है, वन शुड नॉट हिट द पुअर विल बी द राइट आंसर। एस क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बोला आप पुअर को पुअर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आप यहाँ पर डा लगाकर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आप पूरे समुदाय के जो गरीब हैं उन सब गरीबों की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं प्रत्येक को गरीबों से प्रत्येक को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए सबको, तो द पुअर्स एक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, आ लिखा होता तो पुअर आता, द लिखा हुआ है तब यहाँ पुअर आएगा क्योंकि आ पुअर एक गरीब और द पुअर मतलब पूरी जाति, पुअर्स नहीं होगा, इसका प्लूरल पुअर्स नहीं होगा। तो गलती हमारे किस पार्ट में, गलती हमारे इस वाले पार्ट में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 10 हम कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से और लास्ट है आज का लास्ट है, फोकस कीजिएगा। देयर फैमिली उनका परिवार आगरा गया ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समझिए देयर फैमिली एक पार्ट है, वेंट टू आगरा भी पार्ट है, ड्यूरिंग समर वैकेशन सी पार्ट है, डी नोएरा है। अब फोकस कीजिए तो नाउन कौन कौन सा, फैमिली नाउन है, आगरा नाउन है, समर वैकेशन ये भी नाउन है। ठीक है सिंपल सी बात है, फैमिली में कोई मिस्टेक नहीं है, उनका परिवार आगरा गया, उसका परिवार या उनका परिवार आगरा गया, कहाँ गया समर वैकेशन में। अब समर वैकेशंस, तो वैकेशंस इज नॉट द राइट वर्ड, वैकेशंस इज नॉट द राइट वर्ड, तो आप क्या करोगे ऑटोनोमस तरीके ऑटोमेटिकली देयर फैमिली वेंट टू आगरा ड्यूरिंग समर वैकेशंस होगा, वैकेशन होगा, वैकेशंस नहीं होगा। ठीक है छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी, वैकेशन को आपने बांध के रख दिया, गर्मी वर्ड ने वैकेशन वैकेशंस को वैकेशन में कन्वर्ट कर दिया, विंटर वैकेशन नॉट वैकेशंस, गॉट इट, समझ गए ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया आपके, आपको मैंने जो 11 एग्जांपल दिए हैं बच्चों विशेष ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए, आहाफ वाला आपको यहाँ मिल चुका, पुअर आप इसे प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करोगे, प्योर दा पुअर पूरी जाति को बताएगा तो आप पुअर का पुअर्स नहीं करोगे। ठीक है मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर भी कंपाउंड नाउन में एस स्टूडेंट में यूज़ करोगे, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखिएगा ये 11 एग्जांपल नहीं है, ये बहुत अच्छे एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, इनको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपनी जो भी आप पे बुक हो उसमें ट्राई कीजिएगा। नाउन के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझसे पूछेंगे और आपको कोई डाउट होगा आप ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आएगा, ये सारे नाउन के एग्जांपल आपके समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, और लेकिन इस वीडियो को जब आप देखने से पहले रूल्स पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ, और अगर आपकी कोई समस्या है आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।